हेलो यूट्यूब, तो आपको मतलब टाइटल से पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो मेरे हाथ में ये जो मल्टीमीटर है ये ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने जो है ये ट्रांसफार्मर जो देख रहे हैं आप, इस ट्रांसफार्मर में मैंने कनेक्शन उल्टा कर दिया था। मतलब जहाँ पे एसी का सप्लाई होना चाहिए 220 वोल्ट, वहाँ पे मतलब जो है सो मैंने मल्टीमीटर लगाया, और जहाँ पे डीसी 12 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए उसको मैंने 220 वोल्ट पे लगा दिया। तो इससे हुआ ये कि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज जो है सो मतलब जनरेट कर रहा था। और इसके बाद मैंने मल्टीमीटर को सेट कर रखा था, एक मिनट फोकस बने, हाँ 1000 वोल्ट पे, 1000 वोल्ट डीसी पे, जबकि ये इसका टेस्टिंग के लिए एसी पे मतलब रखना चाहिए था। गलती से मतलब डीसी सेलेक्टेड था, और इसके वजह से जो है मतलब इस मल्टीमीटर के अंदर से एकदम चिंगारी, मतलब एकदम जलने का, मतलब जो है सो जला नहीं लेकिन एकदम से चिंगारी टाइप दिख रहा था साफ साफ ये इसके जस्ट नीचे। तो इसके मतलब इसके वजह से जो है ये मल्टीमीटर जो है सो जल गया। तो इससे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी अपने मल्टीमीटर को किसी भी टेस्टिंग के लिए गलत सेलेक्शन ना करें, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एसी का टेस्टिंग था तो एसी पे ही करें, डीसी पे कीजिएगा तो हो सकता है आपका मल्टीमीटर जो है सो जल जाएगा। तो ये एक गलती से मैंने देखा नहीं ठीक से, लेकिन इसके वजह से जल गया। उसके बाद मैंने नया मल्टीमीटर ख़रीद के लाया, और इस टाइप के मल्टीमीटर ख़रीदने का मतलब यही एक फ़ायदा है कि मतलब आप 150 में ख़रीद के लाते हैं, और अगर गलती से टूट भी जाता है तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप महंगा मल्टीमीटर यूज करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पछतावा होगा कि मतलब आपका मल्टीमीटर जल गया। तो सस्ता मल्टीमीटर ज़्यादातर कामों के लिए यूज करना ज़्यादातर ठीक होता है। तो ये मैं इसको अभी खोल के देखूँगा अंदर में, पूरा अभी पार्ट पुर्जा खोल के देखेंगे अंदर में कहाँ पर क्या हुआ। मैं इसको एक्चुअली तोड़ दूंगा पूरा अभी, क्योंकि अब इसके मतलब किसी काम का है भी नहीं। तो देखिए, अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे लाता हूँ तो ये अजीब रीडिंग देता है, यहाँ पे ले जाता हूँ अजीब रीडिंग देता है, कंटिन्यूटी पे लेके आता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, ये अपने आप बीप करने लगता है। आप सुन रहे होंगे आवाज़, ये अपने आप बीप करने लगता है, ऐसे कि ऐसा होने लगता है जैसे कि अंदर से ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, अपने आप शॉर्ट सर्किट कर लिया। तो इसीलिए मल्टीमीटर अंदर से ख़राब हो गया है। तो इसको मैं अभी पूरा खोलूंगा, इसको मतलब पूरी तरीके से खोल के देखूंगा अंदर में क्या मतलब कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे जला है या फिर नहीं जला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको खोलने का काम। ये मल्टीमीटर 9 वोल्ट बैटरी पे रन करता है, तो ये रहा इसका 9 वोल्ट बैटरी। और ये ऊपर से तो कुछ देखने से मतलब जला हुआ दिख नहीं रहा, वो जो है सो आग लगभग यहाँ पे चिंगारी दिख रहा था, इसके नीचे यानी कि इसके नीचे होगा वो कुछ भी अगर जला होगा तो इसके नीचे, मतलब ये बोर्ड अभी खोल के हटाना पड़ेगा इसके ऊपर से। तो चलिए इस बोर्ड को खोला जाए। से निकाल लेता हूँ, तो इसका बोर्ड खुल गया, ये रहा इसका सारा सर्किट। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि अभी आपको मैं गौर से ठीक से दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये जला हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही जल गया था, जो उसमें बहुत ज़्यादा चिंगारी निकाल रहा था, तो ये मल्टीमीटर इसी की वजह से ख़राब हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था इसका मतलब। तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो गया, तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये कहाँ पे जला हुआ है।
तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि मतलब कभी भी अपने मल्टीमीटर को गलत सेटिंग्स पे रख के कोई भी टेस्ट ना करें, इससे जो है सो मतलब आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो इसी के साथ ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसा वीडियो आगे भी देख सकें। धन्यवाद।